हमारे साथ किसान भाई बंधु मौजूद हैं जो धान बिक्री को लेकर सोसाइटी में आए हुए हैं। क्या नाम है भाई आपका? साहू। साहू जी, कितना धान लेकर आए हैं अभी? अभी तो 130 है। 130, लेकिन कटा अभी 181 टोकन। टोकन, अच्छा। तो टोकन पहले कटता है, उसके बाद क्या होता है? टोकन काटने के बाद फिर यहाँ दिखाना पड़ता है धान गुणवत्ता कैसी है। गुणवत्ता है, उसका नमी कितना है, अच्छा, उसको चेक करते हैं। उसके बाद हमको मतलब बोरी मिलता है, अच्छा। उसके बाद हम लोग पल्टी कर रहे हैं अभी। तो सरना में कितना में खरीद रहे हैं? अभी तो शायद 2183 में कटा गया। 2183 रेट में, अच्छा। ये सरकार जो घोषणा किया था 3100 रुपये में खरीदेंगे, तो वो अभी लागू नहीं हुआ है? अब इसके बारे में तो मालूम नहीं है, लेकिन लागू हुआ है कि नहीं हुआ है तो अंदर जाके पता चलेगा। आप लोग बोले नहीं कि सरकार तो बोला था कि जीतने के बाद 3100 रुपये में खरीदेंगे? नहीं बोले। अभी और कितना धान लाएंगे आप? ये उसके बाद बचेगा ना, उसके बाद टोकन कटवा के फिर लाएंगे। और कितना धान है आपके यहाँ, कितना होता है? हो जाएगा अभी 100 कट्टा और 100 कट्टा तो सब बेच देते हैं इधर, पूरा इधर बेच जाएंगे। अच्छा, और खाने के लिए फिर क्या रखते हैं सब लोग रखते हैं। और यहाँ जो तौल वगैरह हो रहा है, उसमें कोई घपला उपला तो नहीं? तौल वगैरह शिकायत तो नहीं है? शिकायत नहीं है, मतलब प्रॉपर सब चीज़ सही है। अब क्या है, हम लोग इधर यहाँ तौल रहे, उधर तौल रहे, उसको तो नहीं देख रहे, लेकिन अभी शिकायत नहीं है अभी। पर तौल मारते हैं, सुनने में आता है सोसाइटी में बहुत मारता होगा, तो इसके बारे में मालूम नहीं है। फड़ प्रभारी कैसा है यहाँ? ठीक है, ठीक है, व्यवहार वगैरह बर्ताव ठीक है? बर्ताव तो ठीक है, ठीक है ना सर। और भी किसान भाई लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। भैया क्या नाम है आप? मेरा नाम बालाराम साहू है। यहीं से हैं आप? ये मगरघटा वाले से। मगरघटा से? मगरघटा हमारा खेत है और सोसाइटी यही सागरा पड़ता है। अच्छा, ये बताइए भैया, धान बुआई से लेके कटाई तक कितना खर्चा मतलब आता होगा इसमें, अगर देखे प्राय तो मान लो 1 एकड़ खेत है, उसमें आप धान बोते हैं? 15,000 रुपये प्रति 15,000 मतलब बुआई उसके सब चीज से शुरू से स्टार्टिंग, मान लो बुआई है फिर कटाई में सब मतलब ये सब 15,000 तक आ जाएगा सर। 15,000 अपना और खुद कहना तो थोड़ा सा 10-12 तक हो जाएगा। स्वयं अगर काम करोगे तो स्वयं मतलब जैसे खुद अगर रोपाई वोपाई ये सब तो कम हो जाएगा बजट। तो ये आप लोग का खुद की जमीन है कि? जी अपना है, खुद की जमीन से करते हैं। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया बात। और भी लोगों से बातचीत करते हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, सीधे तौर पर सोसाइटी है जहाँ पर धान बिक्री की जाती है किसानों के द्वारा, जहाँ ग्रामीण आते हैं और यहाँ पर जो है टोकन पहले कटाया जाता है, पर्चा जो रहता है वहाँ से टोकन कटाने के बाद जो है धान की गुणवत्ता की जाँच की जाती है। गुणवत्ता में देखा जाता है कि अगर धान में कोई नमी है तो पहले उसे सुखाया जाता है, उसके बाद जो है धान को सोसाइटी में लिया जाता है, यहाँ जो प्रभारी रहते हैं उनके द्वारा। आप किसान है भाई साहब? अच्छा, क्या नाम है आपका? मैं बीआर साहू लिखता हूँ। बीआर साहू जी, कितना धान लेकर आए? अभी 318 कट्टा बेचना है आज टोकन में। टोकन 318 का, फिर और लेके आएंगे? एक बार बेच चुका हूँ 400-450। कौन सा धान है आपका? सरना। सरना कितने में खरीद रहे हैं? अभी तो वही पुराना वाला जो भूपेश बघेल दे रहे थे वो दे रहे हैं, ऊपर का पैसा नहीं दे रहे हैं। तो साव वाला पैसा कब आएगा? पूछे नहीं, पूछ रहे हैं बहुत आदमी, लेकिन बता नहीं रहे कब आएगा। हाँ, बस वादा कर दिए, वादा कर दिए, जबकि देना अभी से चाहिए, वो तो तुरंत बोले थे कि है ना चुनाव जीतेंगे उस दिन से 3100 रुपये देंगे करके बोले हैं, लेकिन अभी तक तो उनके बाकी वो सबके बारे में बात करते हैं, लेकिन 3100 रुपये देने के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। बात नहीं कर रहे हैं, सही बोल। अच्छा, ये पाटन विधानसभा में आता है, हाँ। मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का गांव है, क्या लगता है उनकी हार का क्या कारण रहा होगा? यहाँ तो लोकप्रियता रही है उनकी। नहीं, हार कांग्रेस की, कांग्रेस का हार नहीं है, वो लोग ईवीएम जो मशीन है ना उनके द्वारा सेटल किया गया है। ईवीएम मशीन के द्वारा हराया गया, वो वैसे चल रहे बात। बहुत बड़ी बात आप बोल रहे हैं, मतलब मशीन पे वो हो सकता है, क्योंकि इतना भूपेश सरकार थे जो काम भूपेश बघेल ने किया है, 5 उनके पास तो समय कम था, कोरोना आ गए, 3 साल काम किए हैं, 3 साल में भारी अच्छा काम किया है किसान के लिए और एकदम जमीनी स्तर पर काम। अच्छा, लेकिन तेलंगाना में जो है कांग्रेस जीता है,
5 राज्यों में चुनाव हुए, उसमें एक में बस जीता है तेलंगाना में, तो वहाँ ईवीएम मशीन नहीं है हुआ कि वहाँ भी हुआ रहा होगा? वहाँ सब जगह हुआ है। तो तेलंगाना में तो कांग्रेस जीती है, तो मतलब कांग्रेस भी ईवीएम हैक किया था तभी जीती है? देख कहीं कहीं हुआ है ऐसा नहीं कह सकता कि तेलंगाना में नहीं हुआ है, हुआ है ऐसा नहीं कह सकता हूँ, लेकिन यहाँ छत्तीसगढ़ में हुआ है। अच्छा ये बताइए, कल विष्णु साय ने जो है चावल मुफ्त देने की बात कही है अगले 5 साल तक, उसको किस तरीके से देखते हैं? चावल का 1 रुपये किलो में तो वही जब से दे रहे हैं। मुक्त क्या भाई, मुक्त है फ्री है समझ जाए, वो तो भूपेश सरकार भी कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है, मतलब बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है, वो तो शुरू से दे रहे हैं। तो और क्या क्या मांग है आपकी सरकार से, अभी जो नई सरकार बनी जिस पर पहले काम करना चाहिए? अब वो तो क्या उनके घोषणा पत्र में था नहीं है, गैस सिलेंडर के बात करते हैं और... तो किसानों को तो 2 साल का बकाया वो दिए हैं बोल रहे हैं। चलो अभी दोनों किस्त नहीं मिला है, वहाँ पर एक किस्त आया है शायद, एक किस्त आया है, दोनों किस्त दो बार के। क्या लगता है कि अच्छा कौन साबित होगा, विष्णु देव साय या भूपेश बघेल? यहाँ तो भूपेश बघेल अच्छा था, बहुत अच्छा काम किए हैं, वो जो काम किए हैं वो 15 साल में बीजेपी के शासन थे वो भी नहीं कर पाए। इतना अच्छा काम, अभी उसका अच्छा घोषणा था, इस बार नहीं आया। पढ़ाई से लेकर किसानों से लेकर सब अच्छा, बहुत अच्छे किए हैं, विकास कार्य किए हैं, किसान पर विशेष ध्यान दिए हैं। ठीक, और भी जो है यहाँ पर जो है धान भरा जा रहा है बोरी, यहाँ पे तौलाई होती है, उसके तौलने के बाद धान को बोरी में भरा जाता है, उसके बाद से उसे बांध कर रखा जाता है। यहाँ तमाम किसान लोग मौजूद हैं और यहाँ जो है काम कर रहे हैं उन लोग भी मौजूद हैं, ये छोटे छोटे बच्चे जो है काम कर रहे हैं यहाँ पे। किसान कौन है आपने से? किसान साहब क्या नाम है भैया आपका? मोहन जी। कितना धान लेके आए हैं? 270। सरना है आपका? सरना। टोकन कितने का कटा है? 270 का। और लेके आएंगे धान? नहीं, अभी बचा है ना। अच्छा अभी और 20 क्विंटल तो नहीं लिया सर। तौल वाल ठीक है यहाँ, कोई इधर उधर तो नहीं है झोल? तौल में झोल तो नहीं? आज तो बोनी हो रहा है। अच्छा ठीक है, टोकन कटा है आज पहली बार धान कट रहे हैं। अच्छा तो बेचे क्यों नहीं इतने दिन से? टोकन नहीं मिला। कितने में बिक रहा है तो सर ना आपको? अभी तो 2100 मतलब देने का बात था सरकार। सरकार 3100 देने के बाद हाँ, सरकार वो दे ही नहीं रहा है। हाँ तो पूछे नहीं आप क्यों नहीं दे रहा, बोले नहीं उन लोग? ऊपर से आया नहीं बोल रहे। अच्छा मतलब हाँ, ये तो ठगने वाली बात हो गई है ना। टोटल किसान को छुट्टियाँ बना रहे हैं। कितना बना रहे? 2100। जैसे बैठूंगा बटन दबाऊंगा, बोलो दबाना चाहिए ना। सही बोल रहे हो कि फिर 3 क्विंटल बचेगा इस खाते का धान, उसको फिर लेके टोकन कटाएंगे तब फिर आना पड़ेगा उसको ले, फिर किराया लगाओ गाड़ी का, फिर दो 3 क्विंटल। क्या लगता है बीजेपी काम अच्छा कर पाएगी? नहीं 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 कर पाएगी, नहीं करेगी। लेकिन कल तो जो है गरीबों को मुफ्त में चावल देने की बात बोली है 5 साल तक, तो ये तो अच्छी बात है ना? हाँ अच्छी नहीं है, देश को अपंग कर रहा है। चावल बंद करो ना, हम बोल रहे हैं लेबर नहीं मिलता है। लेबर नहीं मिलता? हाँ सरकार। और दारू बंद होना चाहिए कि नहीं? नहीं दारू तो बंद होगा, सरकार तो चला ही नहीं सकेगा। मैं लिख के दे दूंगा दारू अगर बंद हुआ तो। हाँ चाहे लिख के दे दूंगा सर। दारू तो घर भी तोड़ रहा है ना, इस चीज को नहीं मानते आप? नहीं वो बंद नहीं कर सकते। कौन घोषणा किया, कौन सरकार? आपने भूपेश बघेल किया था मैं दारू बंद करूंगा बोल? हाँ नहीं कर सके ना, हाँ नहीं कर पाए, वही तो बदनामी हो गया ना भूपेश का, इसीलिए हार गया क्या? हाँ नहीं तो बंद करता तो नहीं हारता। और कोई सरकार अभी दारू का बंद करने का बात किया? नहीं किया। नहीं किया, सही बात। देश दारू से ही चलता है। अच्छा यहाँ भी बिकता है दारू? अवैध की वैध? अवैध नहीं, भट्टी से, भट्टी से सब पीते हैं। अभी पीते हैं रोज? रोज रोज नहीं, कभी कभी काम किए हैं। आप लोग भी साथ में? पापा। अच्छा आपके पिताजी हैं तो आप भी मदद करते हैं खेत में? कितना एकड़ है खेत वगैरह? हम लोग का 5-6 एकड़। अच्छा इधर तो तिवरा वगैरह भी बोते होंगे आप लोग? 2 फसल होता है कि नहीं? गेहूँ लगाते हैं। गेहूँ लगाते हैं तो गेहूँ का पैदावार कैसा है? हाँ ऐसे अच्छा खासा है पैदावार,
कितना निकला? 15-16 क्विंटल के आसपास। अच्छा, तो उसको घर उपयोग करते हैं कि घर घर के लिए? घर के लिए रखते हैं, रोटी वगैरह के। और क्या क्या फसल होता है रबी में इधर? मक्का, तिवरा वगैरह का? हाँ, वोट वगैरह देते हैं आप? किसको दिए थे इस बार? और जिसका सरकार है उसी को दिए। हाँ, पर आपके पिताजी तो नाराज है सरकार से? उसका अलग अलग सब। आप खुश हैं? हाँ, ठीक है। अच्छा है। भूपेश बघेल कैसा था? वो भी ठीक। वो भी ठीक है, दोनों में बेहतर। भूपेश बघेल है बेहतर। बेहतर अभी वर्तमान में जिस बता सोसाइटी में मौजूद है वो पाटन विधानसभा क्षेत्र में आता है, जहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आते हैं। ऐसे में उनकी लोकप्रियता अभी भी यहाँ देखने को मिल रही है, और कहीं ना कहीं किसान वर्ग जो है वर्तमान सरकार विष्णु देव साय जो मुख्यमंत्री है उनसे नाराज है, क्योंकि भाजपा के घोषणा पत्र में ये साफ कहा गया था कि 3100 रुपए में धान खरीदा जाएगा अगर उनकी सरकार बनती है। सरकार बनने में बना हुआ करीब 1 महीना हो गया, उसके बाद भी जो है समर्थन मूल्य में जो है धान नहीं खरीदा जा रहा है। ये कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ किसानों के अंदर नाराजगी पैदा कर रही है। इस पर जो है सरकार को सोचना चाहिए कि जो घोषणा पत्र में तय किया गया था उतने मूल्य में ही धान खरीदी की जाए। सेवा सहकारी समिति साकरा में मौजूद है, यहाँ धान खरीदी को लेकर कितना कुछ जो है इस बार धान खरीदी को लेकर उत्साह है किसानों में। हमारे साथ सहायक फल प्रभारी मौजूद है। सबसे पहले तो वीरेन जी, क्या लगता है इस बार जो है किसानों में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है? हाँ, बहुत है भाई, क्विंटल भी बढ़ा है, धान का रेट भी बढ़ा है, सवार है धान कटा बेचने के लिए। जैसे चुनाव में घोषणा किया गया था इस बार बीजेपी का 3100 का था और कांग्रेस का 3200 का था, इस बार जो है चुनाव परिणाम के बाद किसानों में उत्सुकता बढ़ी है कि पहले से धान को लेकर आ रहे किसान? नहीं, अब वो 21 क्विंटल ले रहे हैं, 21 क्विंटल बोले हैं तो, और रेट का तो अभी नहीं दे रहे, अभी समर्थन मूल्य दे रहे। मोटा है 2183 रुपया। अच्छा, पतला है 2203 रुपया। तो जो रेट है उसको कब तक देंगे? कुछ पता नहीं, अभी तक सरकार की तरफ से कुछ ये नहीं मिला है। नहीं है जी? नहीं। तो जैसे नवंबर में महीने में कितना धान उठा है इस बार? नवम्बर में 6 ट्रिक उठा, 6 ट्रिक। और दिसंबर का भी? वो ज़्यादा नहीं उठा है, वो 8-10 दोनों करके अभी तक 8-10 जी। जैसे यहाँ बाहर जो देख रहे हैं धान को लेके आप काफ़ी मात्रा में धान खुले में, अगर अमूमन देखें अनायास बारिश होती है तो उसके लिए फिर क्या कुछ तैयारियाँ रहती है आप? है ना सर, तारपोलिन वगैरह है ढकने के लिए, मौसम बिगड़ता सब ढक पाते हैं, फिर उधर फिर खोल देते हैं उनकी सूखता, मतलब अंदर अंदर से ये लगता है। किसान कितने खुश हैं समर्थन मूल्य से जितना अभी मिलता है वर्तमान में? वो किसानी लोग से पूछो तो लोग बताएंगे भाई, सब खुशी है, समझ लो खुश है सर जी। जी, पतला धान ज़्यादा आ रहा है कि मोटा? नहीं, सरना ज़्यादा बोलते हैं, सरना जी इधर ज़्यादा पैदावार सरना की है अभी। और क्या लगता है हो सकता है कि जो है जो धान खरीदी की तारीख में बढ़ोतरी करने की कुछ बात भी चल रही थी? नहीं, छोटा समिति जनवरी तक हो जाएगा, 31 जनवरी तक? हाँ, हो जाएगा। कितना धान और आने की अभी संभावना है? अभी तो अब 2 महीने निकल गया, 50% हुआ है, बाकी हो जाएगा लगता है। अभी भी जनवरी में ज़्यादा छुट्टी नहीं है ना? अच्छा, अभी बढ़ा भी है खरीदी का मात्रा, पहले कम था, 3400-3500 बोरी रोज हो रहा है कांटा वैसे। जैसे गीला धान और जो सूखा धान है इसका पैमाना कैसे करते हैं मशीन? 17% नमी लेते हैं, नमी मापक है मशीन। अच्छा, और मान लीजिए नमी है तो फिर यही सूखा भी नहीं, पहले लाते हैं किसान टोकन कटाने के लिए, 8-15 दिन पहले। अच्छा, वो चेक करवा के जाते हैं, और चेक करवाने के बाद जैसे नमी है तो नमी है उसको बता देते इतना परसेंट है सूखा लेने करके, तो सूखा सूखा के ये। अच्छा, पूरी प्रक्रिया क्या होती है? जैसे कोई सामान्य इंसान है जो उसका खेत नहीं है, जिसको जानकारी नहीं रहती है, वो अगर जानना चाहे कि धान कैसे बेचता है किसान, तो क्या है पूरी प्रक्रिया, थोड़ा विस्तार से बताइए। नहीं, वो पहले यहाँ सदस्य बनते हैं। पहले सदस्य बनेगा कैसे? पर्चे में क्या पर्चा बनता है? नहीं, वो ऋण किसी का फोटो कापी आधार खाता खुलवाते हैं जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में। अच्छा, उसके बाद यहाँ सदस्य बनते हैं, खाद वाद लेना हो तो खाद वाद भी लेते हैं, उसके बाद पंजीयन कराना पड़ता है, पंजीयन लिस्ट भी है उनका गाँव हिसाब से, जिस किसान का पंजीयन है यहाँ इतने कुंटल इतना बोरी आएगा, इतना कुंटल आएगा एकड़ में। जैसे धान के मामले में बिचौलिया शब्द बड़ा सुनने को मिलता है, क्या है इसमें बिचौलिया? वैसे तो हम लोग नहीं बता सकते भाई, अब किसानी लोग अब उधर से देते होंगे तो पता नहीं, यहाँ तो किसानी आते हैं बेचने के लिए, सबका फिंगर लगता है बकायदा। अच्छा, वो किसी को देते हैं बिचौलिया बोलते हैं किसको? क्या पता किसको बोलते होंगे किसानी को।
ठीक, फिलहाल के लिए इतना ही, मेरे सहयोगी अभिषेक दास के साथ प्रियांशु कश्यप, वोकल टीवी रायपुर छत्तीसगढ़।